मूवी के स्टार्टिंग में वेली सिटी को देखते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बर्ड को देखते हैं जो कि पुल साफ कर रहा होता है। वो पुल साफ करने के बाद अपने वेपन यानी हथियार को निकालता है। वो एक घर के अंदर जाता है। यहाँ पर वो दरवाजे पर सिल्वर वायर लगाता है और घर के अंदर किसी को ढूंढने लगता है। तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और उसे वो गोली मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी वैम्पायर होती है। वो खड़ी होकर बर्ड पर हमला कर देती है और उससे लड़ने लगती है। वो लेडी उस पर भारी पड़ रही होती है। यहीं पर बर्ड को एक कांच का टुकड़ा दस जाता है और उसे वो निकालता है। फिर वो उस वैम्पायर से लड़ने लगता है जिसको कि वो हर तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी नहीं मरती है। फिर वो किसी तरह उसका गला काट देता है जिसकी वजह से वो मारी जाती है। तभी वहाँ पर एक और वैम्पायर आता है। उसका गला उस सिल्वर वायर से पहले ही कट चुका होता है। इसके बाद बर्ड उन वैम्पायरों के दांत निकालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बर्ड एक वैम्पायर हंटर है। वो सभी वैम्पायर को मारता है और उनका दांत निकालता है। फिर बर्ड यहाँ से अपने कपड़े बदलता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ऑडरी को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और वो वेली में कॉलोनी बसाना चाहती है, उसे जन्नत बनाना चाहती है। वो यहाँ पर वैम्पायर के लिए कॉलोनी बसाना चाहती है और उसके रास्ते में जो भी आता है उसे वो मार देती है। इधर हम बर्ड को देखते हैं जो कि घर पर आता है जहाँ पर वो रेंट पे रहता है। यहाँ पर वो एक येलो कलर का पाउडर लगाकर नहाता है और वो अपने जख्मों पर बैंडेज भी लगाता है। फिर वो अपने बेटी के पास जाता है, इसका नाम पेज होता है। वो कहते हैं आज अब फिर लेट हो गए। इसके बाद दोनों अपने घर जाते हैं जहाँ पर बर्ड की बीवी होती है। यहाँ पर दोनों अलग रहते हैं और पेज अपने मॉम के साथ रहती है। यहीं पर बर्ड को पता चलता है कि ये यहाँ से घर बेचकर अपनी मॉम के पास जाने वाली है, जिस पर बर्ड कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जरा पेज को तो देखो यहाँ पर कितनी खुश है, उसको यहाँ पर उसके दोस्त हैं और तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं उसके फ्यूचर के लिए ऐसा कर रही हूँ, अगर हम यहाँ रहे तो उसकी स्कूल की फीस भी भरी नहीं जा रही है जिसकी वजह से उसे हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी अगर हमने मंडे तक उसकी फीस नहीं भरी तो, और उसकी फीस $5,000 है और उसके दांत भी लगवाने हैं जो कि $6,000 लगेगा। यह सब सुनकर बर्ड उससे मंडे तक का टाइम मांगता है और कहता है कि मैं चाहे जैसे मंडे तक का पैसे का इंतजाम कर लूंगा, जिस पर बर्ड उसे मंडे तक रुकने को कहता है और उसकी बीवी मान जाती है। इसके बाद बर्ड वहाँ से एक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो उस दांत को बेचने वाला होता है। यहाँ पर एक ट्रॉय नाम का बंदा होता है। वो उस दांत को चेक करता है और वो उस दांत की कीमत $800 लगाता है, जिस पर बर्ड कहता है ढंग से देख यार, 4,000 का माल है। इस पर ट्रॉय कहता है ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पर इसके इतने ही मिलेंगे, अगर सही दाम चाहिए तो यूनियन को जाकर बेचो। फिर बर्ड वहाँ पर अपने सब कुछ बेच देता है, यहाँ तक कि अपने जूते भी बेच देता है और वो यहाँ पर उस बुढ़िया के दांत नहीं बेचता है। यहीं पर उसे पेज का फोन आता है और वो कहते है क्या हम डैड घर बदलने वाले हैं। मॉम कह रही थी मैं अब नए स्कूल में जा रही हूँ, जिस पर बर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मॉम तुम्हारी मजाक कर रही है। इसके बाद बर्ड यहाँ अपने फ्रेंड को मैसेज करता है और कहता है कि हम कल मिलेंगे। इधर ऑडरी उस वैम्पायर के घर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसे कोई मार दिया है और उसके दांतों को भी कोई निकाल लिया है। वह यह सब देखकर खून के आंसू रोती है। यहीं पर उसके गार्ड को वह कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें कि बर्ड का ब्लड लगा होता है। वह कहता है कि इसमें अभी भी गंध है। फिर ऑडरी उस टुकड़े को लेती है और उसके खून को चखती है और इसके बाद कहती है कि ढूंढो उसे। इसके बाद ऑडरी वहाँ से चली जाती है। वह जाते जाते सभी फ्लावर को सुखा देती है। अगले दिन बर्ड अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम बिग जॉन होता है। वह यहाँ पर मिलकर बातें करते हैं और यहीं पर बर्ड उसे बताता है कि यार मुझे कैसे भी करके यूनियन ज्वाइन करवा दे, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जिस पर बिग जॉन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। फिर वह दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बिग जॉन की औरतों के प्रति क्रेज ज्यादा होता है। वह दोनों यहाँ पर एक अंडरग्राउंड दरवाजे से यूनियन के अंदर पहुँचते हैं। यूनियन एक सरकारी संस्था होती है जो की वैम्पायर को मारने के लिए ऑर्डर देती है और उनके दांतों की अच्छी खासी कीमत भी देती है। यहाँ पर बर्ड यूनियन में पहले भी काम कर चुका है, लेकिन यहाँ पर यूनियन के कुछ नियम होते हैं जिसको कि वो कई बार तोड़ चुका है। इसकी वजह से वो यूनियन से बाहर हो गया था। फिर वो दोनों यूनियन के हेड के पास पहुँचते हैं जिसका नाम सीगर होता है। वह यहाँ पर बर्ड को आते ही उसके तोड़े हुए नियम का चिट्ठा दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें यूनियन का कार्ड नहीं दूंगा। लेकिन बिग जॉन की यहाँ पर अच्छी खासी पहचान होती है। बिग जॉन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर सीगर किसी तरह मान जाता है और कहता है कि तुम अकेले ही शिकार नहीं करोगे, तुम्हारे साथ मेरा हमेशा आदमी रहेगा और एक भी नियम टूटे तो मैं तुम्हें उसी वक्त बाहर निकाल दूंगा। जिस पर बर्ड कहता है ठीक है मुझे नाइट शिफ्ट चाहिए। इस पर हेड कहता है कि तुम्हें नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी, पिछली बार तुमने नाइट शिफ्ट में बहुत नियम तोड़े हैं इसलिए तुम्हें डे शिफ्ट दिया जाएगा। इसके बाद बर्ड उस दांत को बेचने के लिए जाता है जहाँ पर उसे उसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है, लेकिन उसने यूनियन का नियम तोड़ा होता है इसलिए उसके पैसे पेनाल्टी के तौर पर कुछ काट लिए जाते हैं और उसे कुछ ही पैसे मिल पाते हैं। यहीं पर वो हेड आता है और कहता है अरे वाह यही तो तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद वो अकाउंटेंट सेट उस हेड के पास जाता है और कहता है कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, मैं ऑफिस में बैठकर काम करने वाला हूँ, मैं शिकार करने के लिए नहीं बना हूँ। जिस पर सीगर कहता है कि तुम्हें उस पर नजर रखनी है और जैसे ही वो नियम तोड़ेगा तुम मुझे उसी वक्त बताओगे और मैं उसी वक्त उसे बाहर निकाल दूंगा। वो जितनी जल्दी नियम तोड़े
बोलेगा मैं तुम्हारा उतना जल्दी प्रमोशन करूंगा। इसके बाद सेठ बट के घर आता है जहाँ पर वो वैम्पायर के मारने के लिए हथियार बना रहा होता है और बट यहीं पर उससे कहता है कि जो तुम भी हो सूट नहीं पहनोगे। यहीं पर सेठ उससे कहता है कि यहाँ पर कोई एलएफए को मारने लायक कोई हथियार है। जिस पर बट कहता है कि एलएफए के बारे में तुम जानते ही क्या हो। जिस पर सेठ बताता है कि वो एक 700 पुराना वैम्पायर है, एलिमेंटर्स का धंधा वही चलाता है और उसके दांत इतने नुकीले हैं अगर एक मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर बट कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं और कहता है कि यहाँ पर मेरे चीजों को हाथ मत लगाना। यहीं पर उसे अलग अलग हथियार के बारे में बताने लगता है और कहता है कि सिल्वर बार गला काटने के काम आता है। इस पर सेठ कहता है कि ऊबर वैम्पायर ऐसे वैम्पायर है जो कि गला काटने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर वो एलमर शटर के पास होते हैं। यहीं पर सेठ वैम्पायर की कुछ प्रजातियों के बारे में बताता है जिसमें कि साउथर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर, ऊबर और जुबनाइल्स होते हैं। इनके बारे में उसको बताता है। इसके बाद बट उससे कहता है कि तुम इसी गाड़ी में रहो, मैं अंदर जाता हूँ। इधर ट्रॉय बैठकर अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसके आदमी को कोई मारकर अंदर फेंकता है। फिर ट्रॉय अपनी गन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी वहाँ पर ऑड्री आकर उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और कहती है कि तुम जानते हो वैम्पायर इन दांतों के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं और यही है वो जो वैम्पायर दोबारा पैदा नहीं कर सकते हैं। और कहती है यहाँ पर मैं वो सब कुछ छीन लूंगी जो कुछ हमारा है और तुम इंसानों से अपनी पूजा करवाऊंगी। और कहती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहले तुम मेरी गुलामी करो और दूसरा तुम मर जाओ। जिस पर ट्रॉय कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो कहती है कि बताओ ये दांत तुम्हें किसने लाके दिए। जिस पर ट्रॉय उसे कुछ नहीं बताता है और यहीं पर ऑड्री के हाथों मारा जाता है। इधर बट उन वैम्पायरों के पास पहुंचता है जहाँ पर उन वैम्पायरों को मार देता है तभी उस पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है। इधर सेठ को हेड का फोन आता है और सेठ कहता है कि मैं कार में हूँ। इस पर उसका हेड उसे अंदर जाने के लिए फोर्स करता है। सेठ अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि वैम्पायर बट पर अटैक कर रहा है। तभी बट उससे गन मांगता है लेकिन यहाँ पर सेठ के हाथ कांप रहे होते हैं लेकिन वह किसी तरह गन देता है। फिर बट उन वैम्पायर को मार देता है और दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर सेठ की पैंट गीली हो गई होती है। बट यहाँ पर उसे गाड़ी में पीछे बैठाता है फिर वहाँ से उसके घर पे छोड़ता है और उसे वही येलो कलर का क्रीम देता है और कहता है कि वैम्पायर मरने के बाद स्मेल छोड़ते हैं जो कि हमारे शरीर से चिपक जाते हैं और उसे सूंघते हुए दूसरे वैम्पायर आ जाते हैं। ये क्रीम लगा कर नहा लेना जिससे कि वो स्मेल भी गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से चला जाता है और उसकी नोटबुक को अपने कार में देखता है। बट जब अपने घर आता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक हैदर नाम की लड़की से होती है जो कि उस जगह पे नई नई आई होती है। वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। वो एक नर्स होती है। अगले दिन बट सेठ को लेने के लिए जाता है जहाँ पर उसके नोटबुक के बारे में बताता है जिसमें कि सेठ ने उसके कुछ नियम तोड़े जाने के बारे में लिखा होता है और यहीं पर बट उसे समझाता है कि अगर हम नियम के हिसाब से चलेंगे तो मारे जाएंगे। कल तुमने देखा कि हम कैसे मरते मरते बचे और कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए मुझे बख्श दे। इस पर सेठ कहता है ठीक है। इसके बाद दोनों ट्रॉय के शॉप पे जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि ट्रॉय मर चुका है। यहाँ पर बट अपनी बेची हुई गन लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी सेठ कहता है कि यहाँ से हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं, हमें यूनियन को बताना होगा और उनके आने तक हमें यहीं रहना होगा। जिस पर बट कहता है कि यहाँ से हमें निकलना होगा, ये मामूली वैम्पायर नहीं है। सेठ नहीं मानता है और फोन करने के लिए फोन निकालता है जिस पर उसका फोन बट छीन लेता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त था, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, बस तुम उस रिपोर्ट को 24 घंटे के बाद करना। जिस पर सेठ कहता है कि एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। तभी बट कहता है एक दिन में मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। फिर जाके सेठ को उसकी बातें समझ में आती है। फिर दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। रात को बट जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि हैदर के घर में कोई उससे बहस कर रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उन्हें बिग जॉन ने वैली सिटी में भेजा होता है जहाँ पर कई वैम्पायर घरों में छिपकर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर नजरियन ब्रदर्स आते हैं जो कि वैम्पायर शिकार करने वाले होते हैं और वो बट से कहते हैं कि तुम उनका पता लगाओ और हम साथ साथ उन्हें मारेंगे और हम लोग आपस में इनाम का बराबर हिस्सा बांट लेंगे। जिस पर बट तैयार हो जाता है। फिर सभी मिलकर वैम्पायर की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग एक घर पे पहुंचते हैं जहाँ पर वैम्पायर होते हैं। वो लोग उन्हें मार देते हैं। बट आगे घर को चेक करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं। जिस पर वो ब्रदर्स कहता है कि कमर कस ले ब्रो। फिर वो यहाँ पर मिलकर सभी वैम्पायरों को मारने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। इधर वैम्पायर को देखकर सेठ की एक बार फिर पैंट गीली हो जाती है और सेठ उस वैम्पायर से बचता रहता है। यहाँ पर हमें इंसान और वैम्पायर के बीच एक्शन देखने को मिलता है। यहीं पर ब्रदर भी अच्छे हंटर होते हैं जो कि अच्छे तरह से मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर वो उन सभी वैम्पायरों को मार देते हैं और सेठ को भी बचा लेते हैं। तभी ब्रदर सेठ से कहता है कि तुमने क्या कर लिया है, तुमने अपनी पैंट गीली कर ली है। जिस पर सेठ कहता है कि ये मेरा स्पेशल टैलेंट है। तभी सेठ नोटिस करता है कि यहाँ पर जो वैम्पायर हैं वो सभी अलग अलग प्रजाति के हैं और कहता है कि ये कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और रास्ते में बट सेठ की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक हंटर छिपा हुआ है।
तुम्हें धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा और तुम्हें बहुत दम है। जिसपे सेठ कहता है कि तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं सीगर को ये सब ना बताऊं, जिसपे कहता है कि नहीं यार तुम शिकार करने के लिए बने हो। इसके बाद दोनों अपने घर जाते हैं। यहाँ पर बर्ड की बीवी कहती है कि बिना मार्केट में बजाए घर बेचना मुश्किल है यहाँ पर। फिर बर्ड अपने बेटी को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है। यही पर बर्ड को ऑडरी का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुमने मेरी खुशी मुझसे छीन ली, मैं तेरा सब कुछ तुझसे छीन लूंगी, ये आखिरी केक खा ले। जिसके बाद बर्ड परेशान हो जाता है और वो यहीं पर उस आदमी को देखता है जो कि हैदर के घर पे था। उसे देखकर तुरंत ही पेज को लेकर अपनी कार में बैठा देता है और उससे कहता है कि तुम अपना गेम खेलो, मैं कार थोड़ा तेज चलाऊंगा। यहीं पर वो आदमी बर्ड के पास आता है और बर्ड उसे यहीं पर वो मार देता है। फिर वो अपनी कार लेकर निकलता है, उसके पीछे बहुत सारे पड़ जाते हैं लेकिन वो किसी तरह इसे बचता रहता है। यहीं पर रास्ते में वो अपनी बीबी को फोन करता है और कहता है कि सुनो हम तीनों इस वक्त खतरे में हैं, मैं तुम्हारे कई बार भरोसा तोड़ चुका हूँ लेकिन मेरा इस बार भरोसा कर लो और तुम घर से बाहर निकलना मत, और फोन काट देता है। तभी पेज का गेम खत्म हो जाता है और वो अभी इस रेस को एंजॉय करने लगती है। दोनों किसी तरह बचकर एक टनल के पास पहुंचते हैं जहाँ पर बर्ड अपनी कार को पंचर करके आगे बढ़ता है और वह सब यहाँ से उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पर बर्ड के अंदर जाते ही वहाँ पर रॉटरी के आदमी होते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और वह सब सेठ को भी मार दिए होते हैं। यह सब देखकर उसकी बीवी पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर बर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं पुल साफ करने वाला नहीं हूँ बल्कि वैम्पायर हंटर हूँ, ये सब वैम्पायर है। इस पर उसकी बीवी कहती है कि तुम हर बार मुझसे झूठ बोलते हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो सब उसकी बीवी और पेज को यहाँ से ले जाते हैं। यही पर ऑड्री कहती है कि एक नई सुबह होने वाली है, मैं तेरी बेटी को वैम्पायर बनाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि वो अपने माँ का कैसे खून पीती है। फिर सभी उसे वहाँ पर बेहोश करके चले जाते हैं। जब बर्ड की आँख खुलती है तो वह देखता है कि सेठ भी उठ गया है। बर्ड उसे अपने दांत चेक करने के लिए कहता है। जब सेठ देखता है तो वो वैम्पायर बन गया होता है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है, और वो बर्ड की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन बर्ड उसका गला काट देता है। फिर कुछ समय बाद वो देखता है कि सेठ अभी जिंदा है। वो अपनी मुंडी को अपने शरीर पे जोड़ता है, वह एक ऊपर वैम्पायर बन गया होता है। वो दोनों वहाँ से बर्ड के घर जाते हैं और बर्ड को यहाँ पर हैदर पर शक होता है। वह यहाँ आते ही हैदर को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस पर हैदर उसे किसी तरह समझाती है और कहते है कि मेरी मजबूरी थी, वो लोगों को जबरदस्ती बैंस बनाती है, वह एक ऊपर वैम्पायर है, उसने तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारे पीछे लगाया था। जिस पर बर्ड कहता है कि कैसा बदला। फिर हैदर उसे बताती है कि तुमने मंडे को एक वैम्पायर मारा था जो कि बुढ़िया थी, वो ऑड्री की बेटी थी। जब वो यहाँ पर आई थी तो अपनी छोटी बेटी को छोड़कर आई थी, जब वो उसे ढूंढकर वैम्पायर बनाया तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। ये सब सुनकर बर्ड को सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर ऑड्री उन सबको लेकर अपने पवित्र जगह पे पहुँचती है। यहीं पर पेज से कहती है कि मेरी भी एक बेटी थी जिससे कि तुम्हारे डैड ने उसे मार दिया, और इधर ये लोग सेठ को ह्यूमन ब्लड पिलाते हैं जिससे कि उसका जख्म हील हो जाता है। फिर सभी वहाँ पर लड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। इस पर सेठ कहता है कि अभी तो रात है। जिस पर बर्ड कहता है कि इस बेरहम नाइट में तुम्हारा स्वागत है। फिर तीनों अपना हथियार तैयार करके वहाँ से निकलते हैं, फिर उनके जगह पे पहुँच जाते हैं। यहीं पर सभी वैम्पायर से लड़ते हैं और यहाँ पर अब सेठ भी उनका मुकाबला कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं, यहाँ पर उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर बिग जॉन की एंट्री होती है, वह यहाँ पर अपनी मिनी गन से सभी वैम्पायर को मार देता है। इसके बाद सभी नीचे जाते हैं। यहाँ पर बर्ड बिग जॉन एक साथ हो जाते हैं और हैदर और सेठ एक साथ यहाँ से दूसरे रास्ते के लिए निकल जाते हैं। आगे इन्हें बहुत सारे वैम्पायर मिलते हैं जिन्हें की वो मारते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे हथियार भी दिखते हैं जो कि वैम्पायर को मारने के लिए बनाए होते हैं। इन्हें यह देखकर समझ नहीं आता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर ऑड्री को पता चल जाता है कि वो सब आ गए हैं, जिस पर वो अपने गार्ड को भेजती है और कहती है कि सभी को मार देना। इधर ये लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पर हर तरफ वैम्पायर आ रहे होते हैं और उन पर हमला करते हैं। वो किसी तरह आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर आने लगते हैं और इसी बीच बिग जॉन जख्मी हो जाता है। जिस पर बिग जॉन बर्ड को आगे भेजकर वह सेल को लॉक कर देता है और कहता है तुम जाके अपनी फैमिली को बचाओ, इन्हें मैं देखता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर बिग जॉन उन सभी को मारने लगता है और उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अपने शरीर पर बम लगाया होता है और उसे एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है और उसे बर्ड भी देख लेता है। तभी वहाँ पर वो गार्ड आता है और उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर सेठ और हैदर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, इसे हम देख लेंगे। फिर वो दोनों गार्ड से लड़ने लगते हैं। इधर बर्ड इनके पास आता है
और ऑड्री उसकी बीबी को थोड़ा बहुत मारती है। तभी ऑड्री पर बट गोली चला देता है, लेकिन ऑड्री की स्पीड बहुत तेज होती है, वह बट को मारने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वह गार्ड सेट और हैदर पर भारी पड़ रहा होता है। वह अपने हाथों से इनका गला दबाने लगता है। इधर ऑड्री बट को मारने जाती है, तभी बट की बीबी उसके शरीर में एक लकड़ी आर पार कर देती है और ऑड्री उसे मारती है, जिससे वह दूर जाकर गिरती है। इधर सेठ और हैदर मिलकर उस गार्ड का हाथ ही उखाड़ देते हैं। इधर ऑड्री उसकी बीबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर की बट उस पर गोली चला देता है, लेकिन ऑड्री को कुछ भी नहीं होता है। फिर वह मुड़कर तेजी से बट की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका गला उस सिल्वर वायर से कट गया होता है और वो यहीं पर मारी जाती है। फिर सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। आगे उन्हें बिग जॉन का हेड मिलता है और बट उसे सेठ को देता है। फिर सभी बाहर आते हैं जहाँ पर सीगर आया होता है, और सीगर उन सभी को नियम तोड़ने का नियम बताता है, जिस पर सेठ उस नियम तोड़ने की वजह भी बताने लगता है। और सीगर यहीं पर सेठ से कहता है कि मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा। इस पर सेठ कहता है चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं अब फील्ड वाला बन रहा हूँ। इसके बाद सेठ और हैदर एक साथ निकल जाते हैं, और इधर बट की फैमिली भी अब एक साथ रहने का फैसला करती है और यहाँ से चले जाते हैं। लास्ट में हम बिग जॉन को देखते हैं, जो कि बच गया होता है और कहता है कि अभी तो यह लफे मेरी जान है, जहाँ देखो वहाँ वम्पायर वम्पायर है। और इसी के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।